रायगढ़ से खबर है, आदिवासी महिला से गैंगरेप के मामले में संदिग्ध नाबालिग लड़के की ओडिशा में डेड बॉडी मिली है। जिस लड़के की डेड बॉडी मिली है, आरोपी केसाई पाली गांव का रहने वाला है। पुलिस गैंगरेप के आरोपियों की धरपकड़ के लिए गांव में दबिश दे रही थी। बुधवार को पुलिस ने केसाई पाली गांव में दबिश दी थी। पुलिस से बचने के लिए नाबालिग अपने मामा के गांव ओडिशा के सरायपाली भाग गया था। ऐसी आशंका है कि नाबालिग लड़का गांव के खेत में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह गांव वालों को खेत पर लड़के की डेड बॉडी देखी गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रक्षाबंधन के रोज आदिवासी महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। 7 से 8 युवकों पर महिला से गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने इस केस में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खेत में नाबालिग की लाश मिली है और ये आशंका जताई जा रही कि करंट लगने से इसकी मौत हुई है और ये भी गैंगरेप में इन्वॉल्व था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये डर की वजह से अपने मामा के गांव भागा हुआ था और ये आशंका जताई जा रही है कि करंट लगने की वजह से इसकी जान गई है। करंट लगने से इसकी मौत हुई है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही। आदिवासी महिला से गैंगरेप के मामले में संदिग्ध, ये संदिग्ध था, नाबालिग लड़के की ओडिशा में डेड बॉडी मिली है। जिस लड़के की लाश मिली है, आरोपी केसाई पाली गांव का रहने वाला था। पुलिस गैंगरेप के आरोपियों की धरपकड़ के लिए गांव में दबिश दे रही है। बुधवार को पुलिस ने केसाई पाली गांव में दबिश दी थी। पुलिस से बचने के लिए नाबालिग अपने मामा के गांव ओडिशा के सरायपाली भागा हुआ था और ऐसी आशंका है कि नाबालिग लड़का गांव के खेत में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अविनाश पाठक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे अविनाश पाठक, तो उनसे पूरी जानकारी लेंगे। मामला क्या था ये तो अपने दर्शकों को हमने बता ही दिया और इसके साथ साथ ये पकड़ा जहां से गया है, ये भागा भागा फिर रहा था, क्योंकि पुलिस बार बार दबिश दे रही थी। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, इसमें एक संदिग्ध नाबालिग, वो संदिग्ध था अविनाश, जो भागा हुआ था। आज उसके बारे में खबर मिली है, जैसा कि आपने ये खबर फाइल की है, क्या अविनाश बल्कि हमारे साथ दिख भी रहे हैं, उसकी डेड बॉडी पाई गई और आशंका जताई जा रही कि करंट की वजह से उसकी मौत हुई है। कुछ जानकारी आपको मिली वहां से? देखिए, इस पूरे मामले को समझिए कि 2 दिन पहले जिस तरह से गैंगरेप की घटना सामने आई थी, उसके बाद लगातार दबाव के बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें बार बार ये भी सवाल उठ रहे थे कि कुछ और लोग भी शामिल थे। पीड़िता की माँ ने भी कहा था कि कुछ और लोग इस घटना में शामिल हैं। उसके बाद लगातार पुलिस जो है वो जाँच की बात कर रही थी। कल देर शाम जो है पुलिस ने केसाई पाली गाँव में फिर से दबिश दी। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध था, नाबालिग के नाम उसका हम खुलासा नहीं कर रहे हैं, वो जो नाबालिग था वो गांव से भाग गया पुलिस के छापे के डर से। और पुलिस ने उसके मामा का जो गांव था सरायपाली, उस गांव में गया हुआ था और जिस रास्ते से वो जा रहा था खेत में, चूंकि जंगली इलाका है, उसमें उस इलाके में जंगली जानवर होते हैं, आमतौर पर जंगली सुअर को के शिकार के लिए करंट बिछाया जाता है, तो उसी करंट की चपेट में आकर उस युवक की देर रात मौत हो गई। सुबह उड़ीसा में गांव के लोगों ने जब देखा कि बॉडी पड़ी हुई है, उड़ीसा पुलिस को मौके में बुलाया गया, सूचना दी गई, तब ये जानकारी मिली कि वो जो मृतक नाबालिग है वो उसी गांव का रहने वाला है जहां पे कल
आरोपियों की अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई थी। तो फिलहाल जो है बॉडी को उड़ीसा पुलिस ने पंचनामा के बाद पीएम के लिए भेजा है। इस मामले में अब तक रायगढ़ पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो आरोपी था, क्योंकि नाबालिग है, इसलिए बार बार हम उसके नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, तस्वीर भी उसकी क्लियर नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि हुई है कि वो पुलिस के डर से फरार हुआ था। इस बात की भी पुष्टि है कि पुलिस ने कल देर शाम उस गांव में उसके घर के आसपास दबिश दी थी, जिसके बाद से युवक जो है मृतक जो है वो फरार हुआ था। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका अविनाश पाठक। तो वो भागा भागा फिर रहा था, उसके बारे में तो खबर मिली है, लेकिन वो बचा नहीं, करंट की वजह से उसकी जान चली गई है।